अच्छा चले आ गए आप लोग। यस मैम। हसन हसन नहीं आया, लेकिन टाइम तो हो गया, कुछ आना चाहिए था। अच्छा ऐसा है कि एमसीक्यूज बेस्ड क्विज है, तो मैं गूगल क्लासरूम के ऊपर पोस्ट करने लगी हूँ। जो पहले पोस्ट आएगी वो क्विज है, 10 MCQs है, यू हैव 12 मिनट्स, तो उसमें आपने वो उसको सेंड कर देना है। बाकी एमसीक्यूज वाला क्विज करना आप लोग को आता ही होगा, कि उसको जस्ट सबमिट कर देना होता है। ठीक है, आपकी मैं पोस्ट करने लगी हूँ उसको गूगल क्लासरूम पे। ठीक है, तो ये मैंने पोस्ट कर दिया गूगल क्लासरूम के ऊपर, कोई इसको अटेम्प्ट करें। ओके मैम।
ये आप किस टाइम आए हैं इर्तज़ा? अब तो क्विज हो रहा है और थोड़ा सा टाइम रह गया अब तो क्विज का। चलो यू हैव 1 मिनट लेफ्ट।
चलें जी, टाइम हो गया है, जल्दी से इसको टाइमिंग करते हैं, जो भी समझ आ रही है। चलो, मेरे ख्याल में हो गया होगा सबका। ठीक है, जल्दी से टाइमिंग करें। आप कौन कौन रह गए इधर? सलमान, नमान, सलमान आप भी कर दें। अच्छा, जरा अटेंडेंस बोले मुझे। अनीका दीदी, अटेंडेंस जो है ना, वो आपने माइक ऑन करके बोलनी है। अनीका आई नहीं आप? प्रेजेंट मैम। यस ठीक मैम, है, आई एम। नेक्स्ट अक्सा फयाज। अक्सा फयाज, हसन औरंगजेब। प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट। ठीक है, अक्सा, हसन। अच्छा, उसके बाद नुमान हयात, प्रेजेंट सलमान। सलमान मैम, प्रेजेंट। खुद बोले ना, सलमान माइक ऑन करके अच्छा, बोले। ठीक नहीं मैं अपनी बोल रहा था। मैम प्रेजेंट। है, आपकी मैंने लगा दी है। सलमान, नेक्स्ट सालेहा अली, मैम जशीर अब्बास, प्रेजेंट सुहेल। डिस्कनेक्ट हो गया, वैसे वो आया भाई था। सलमान, जरा आपने ना माइक ऑन करके अपनी प्रेजेंट बोलनी है। और इर्तजा अली, आपको नहीं पता था कि आपकी जो है रेहान सदीक, पहले रेहान सदीक आप अटेंडेंस लगवाए। ठीक प्रेजेंट है, और मैम, आपको क्यों नहीं पता था कि प्रेजेंट। क्लास कब होनी है और क्या होना है? मैं गूगल उधर से पूछ क्लासरूम पे मैंने क्लास टाइमिंग अपलोड की हुई है ना। नहीं मैम, ज्वाइन ही कल किया था रात को, तो मुझे नहीं अच्छा पता था कि क्लास है, सुबह है, तो इसलिए लेट हो अच्छा गया हूँ। फर्स्ट क्लास थी चले, मेरी। आइंदा आप क्लास देख ले, आपको पता चल गया है ना, तो टाइम पे आना है। ओके मैम, यस मैम। ये वाला क्विज दोबारा मुझसे लिया जाएगा? नहीं नहीं, एक एक्स्ट्रा लूंगी तो शायद आपका कवर हो जाएगा, फिर दोबारा नहीं ओके बोलते मैम। हैं ना। मैम एक्स्ट्रा कुछ देंगी? ओके 5 क्विज लेने हैं तो ले लेंगे। ठीक है मैम, क्योंकि इस बार मुझे भी नहीं पता था, मैंने एक डेट ज्वाइन तो ये आपकी गलती है, आपको तो पता होना चाहिए था, आप फ्री स्टूडेंट थे। अच्छा की मैम। मेरा मोबाइल खराब है। अच्छा ठीक है ये ठीक तो है चले, इन्होंने तो अभी रजिस्टर किया है ना, तो मैम, आपको तो मेरा पता था कि मोबाइल मैंने खराब था, पढ़ना मुझे है ये पता ही नहीं कोर्स। था। और मैम सुहेल का लैपटॉप क्या मैसेज आया है, करते वो कह रहा है कि उसका इंटरनेट का इश्यू हो गया, तो मैम उसकी अटेंडेंस लगा दीजिएगा। हैं? ठीक है, तो आप मोबाइल लैपटॉप से ऑनलाइन हो जाते हैं? मैम कैसे होता, मैंने वो क्या रूम ही नहीं ज्वाइन किए हुए थे मैम, ये आपकी उसको मैंने कॉल कर उसकी लिया अटेंडेंस नहीं लगेगी। था मैम। अभी तो मैं ठीक हूँ है, आइंदा यार। से रेगुलर आना। ठीक ठीक है मैम, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट थैंक यू मैम। जो थोड़ा सा टाइम बचा है उसमें मैं आपको पढ़ाने लगी हूँ, जो नेक्स्ट हमने लेक्चर देखना था। मैम क्लास की टाइमिंग क्या है? डे कौन सा नाइन होता नाइन टू है मैम? 11 है। डे कौन सा होता है? रोज होती है? डे आज कौन सा है?
मैम आज वेनसडे है। आज वेनसडे होती है और एक होती है मंडे को होती है 11 to 1। 11 to 1 ठीक है मंडे, हाँ, और ठीक है एक आज मैम। होती है। ठीक ओके है, मैम, बाकी ठीक है, बाकी एक आप एक और बच्चा क्लासरूम में ऐड है, हमजा असदुल्ला, वो क्या उसका क्या मसला है, वो क्यों नहीं आता? दोस्त है मेरा, और मैं उसे कांटेक्ट कर लूंगा और हाँ, बता उसको दूंगा। लिंक ही नहीं मिलता ना उसको, बाकी तो सबको मिल जाता है लिंक, वो खोल के देखते ही शाम को है मेरा ख्याल में गूगल क्लासरूम, तो फिर शाम को उसको लिंक मिलेगा ना। मैम उसको उसे कहना है कि मैसेज कर, क्लास टाइमिंग में गूगल क्लासरूम ओपन करके देखा करो तो उसको लिंक मिल जाएगा। उसने मैं नीचे टाइमिंग कमेंट किया था बता। कि लिंक ही नहीं मिलता, तो जी जी बाकी सब ठीक, ऐसे ही आ जाते हैं। ठीक है, उसको बता बता दूंगा देना। जी। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट जो अब हमने लेक्चर, वो शुरू के जो लेक्चर्स थे वो थोड़े से इंट्रोडक्टरी थे कि आपकी एल्गोरिदम डिजाइनिंग की कौन कौन सी अप्रोचेस होती हैं और एनालिसिस किस तरह से आपका हो रहा होता है। तो इसमें जो चीज हमने डिस्कस करनी है दैट इज एसिम्प्टोटिक एनालिसिस। शुरू में थोड़ा सा एल्गोरिदम एनालिसिस किस किस चीज पे डिपेंड करता है वो इंट्रोडक्शन दी हुई होगी, और उसके बाद मेन जो चीज हमने जो है वो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस या एनालिसिस के बारे में पढ़ना है, और एसिम्प्टोटिक एनालिसिस के लिए जनरल रूल्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, ये चीजें हमने डिस्कस करनी है। एसिम्प्टोटिक एनालिसिस बेसिकली यही होता है कि आपने एक एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है, लेकिन इसके अंदर ये जरूरी होता है कि हम उसकी परफॉर्मेंस को ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट एनालाइज कर रहे हैं, कि हम उसे इनपुट में कौन सी डेटा दे रहे हैं जिस पे डिपेंड करके उसकी क्या, क्योंकि मैंने आपको एक चीज शुरू में बताई थी ना कि किसी भी एल्गोरिदम का जो एनालिसिस है या वो कितना टाइम लेगा एग्जीक्यूट होने में वो उसके इनपुट पे डिपेंड करता है। अब फर्ज करें सॉर्टिंग ही का एल्गोरिदम है, मैं उसे 50 वैल्यूज देती हूँ तो वो जल्दी सॉर्ट हो जाएगा, अगर मैं 100 वैल्यूज देती हूँ तो वो ज्यादा टाइम लेगा सॉर्ट होने में। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो एग्जीक्यूशन टाइम है या आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इनपुट पे डिपेंडेंट है। तो ये जो हम स्पेसिफिकली इनपुट पे डिपेंडेंट परफॉर्मेंस को एनालाइज कर रहे हैं दैट इज नोन एज एसिम्प्टोटिक एनालिसिस, और इसके लिए जो नोटेशंस यूज होती हैं वो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस कहलाते हैं। अच्छा, डेटा स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि हर डेटा स्ट्रक्चर जो है उसके अपने कॉस्ट और बेनिफिट्स हैं, यानी अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं कि कहीं पे कोई डेटा स्ट्रक्चर जो है वो बेटर वर्क करता है और कहीं पे कोई डेटा स्ट्रक्चर बेटर वर्क करता है। रेयरली इज वन डेटा स्ट्रक्चर बेटर देन एन अदर इन ऑल सिचुएशंस, यानी जरूरी नहीं है कि तमाम सिचुएशंस में आपका एक डेटा स्ट्रक्चर जो है वो बेटर वर्क कर रहा हो, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है। ठीक है, उसके लिए आप कौन सा डेटा स्ट्रक्चर प्रेफर करेंगे। अब आपके पास जब भी हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे होते हैं तो एक तो वो स्पेस रिक्वायर करता है, यानी उसमें क्योंकि स्टोर होना होता है या अपने अंदर आइटम्स को स्टोर कराना है तो उसके लिए कोई स्पेस उसको चाहिए होगी या मेमोरी चाहिए होगी जिसके अंदर वो आइटम्स को स्टोर करा रहा है। दूसरी चीज क्या होती है, टाइम के उस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी कोई चीज अगर हम इंसर्ट करा रहे हैं या कोई आइटम हम डिलीट करा रहे हैं तो जो भी बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर के अंदर उसको परफॉर्म करने के लिए कुछ टाइम यूटिलाइज होता है। और थर्ड चीज क्या होती है, आपकी प्रोग्रामिंग एफर्ट, कि आपने जब उस डेटा स्ट्रक्चर को या उस एल्गोरिदम को प्रोग्राम में कन्वर्ट करना है तो उस वक्त आपकी जो प्रोग्रामिंग एफर्ट लग रही होगी या जो आप रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं वो चीज आ जाती है। बट ये जो दो चीजें हैं स्पेस एंड टाइम दैट दे आर ऑफ मोर कंसर्न। ठीक है, एक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर कि वो स्पेस कितना ले रहा है और टाइम कितना ले रहा है, इन दोनों चीजों की ही बेस पे हम उसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं। एफिशिएंट सोल्यूशन क्या होते हैं, सोल्यूशन बेसिकली आपके पास होता क्या है, एक एल्गोरिदम जो है वो सोल्यूशन ही है। एल्गोरिदम हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉलो करते हैं वो आपके पास एल्गोरिदम होता है, तो यही चीज बेसिकली आपके पास जो है वो सोल्यूशन भी कहलाएगी, कि आपके पास एक सोल्यूशन एफिशिएंट कब होता है कि अगर वो अपने रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट्स में रहते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले। ठीक है, रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होते हैं, तो यानी उसे जितना स्पेस गिवन है या उसे जितने टाइम जितनी स्पेस गिवन है उतनी स्पेस में, और टाइम का मतलब टाइम मींस कि एफिशिएंट एल्गोरिदम वो होता है जो कि लेस अमाउंट ऑफ टाइम लेता है एग्जीक्यूट होने में। ठीक है,
The cost of a solution is the amount of resources that the solution consumes. तो बेसिकली ये जो हम कॉस्ट कॉस्ट बोल रहे थे, कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि एक सोल्यूशन जब हम किसी भी प्रॉब्लम का डिवाइस कर रहे हैं, जब हम एक एल्गोरिदम बना रहे हैं, तो उस एल्गोरिदम के लिए या उस सोल्यूशन के लिए कितने अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज हमें यूज करने पड़ रहे हैं, यानी कितना हमें उसके लिए मेमोरी या स्पेस चाहिए, या उसके लिए हम प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट किस तरह का बना रहे हैं, उसमें भी कॉस्ट यूटिलाइज होगी, या वो टाइम कितना रिक्वायर कर रहा है। अब कोई अगर डेटा ज्यादा है तो वो ज्यादा टाइम रिक्वायर करेगा, अगर डेटा कम है तो वो कम टाइम रिक्वायर करेगा। तो ये सब जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास, ये कॉस्ट ऑफ अ सोल्यूशन कहलाते हैं। अभी तो हमने जस्ट टू पॉइंट्स लिखे ना, कि स्पेस और टाइम जो है वो आपके एल्गोरिदम की एफिशिएंसी को ज्यादा जज करते हैं। अब अगर हम थोड़ा सा मोर स्पेसिफिक होके पॉइंट्स देखें, तो आपके पास स्पेस के अंदर ये तीन पॉइंट्स, स्पेस के अंदर मेमोरी भी आ जाती है और बैंडविड्थ भी आ जाता है। मेमोरी तो सिंपल, जैसे आपकी मेमोरी है जिसके अंदर आपकी कोई भी डेटा स्ट्रक्चर या चीजें स्टोर हो रही हैं, लेकिन बैंडविड्थ क्या है कि एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मेमोरी जो है वो कितने डेटा को एग्जीक्यूट कर सकती है, या उसके अंदर हम कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो बैंडविड्थ का मतलब एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम में कितना डेटा जो है एक स्पेसिफिक मेमोरी एग्जीक्यूट कर सकती है। इसके अलावा लॉजिक फंक्शंस आपके पास उसमें आ जाते हैं, कि जो आपके पास प्रोग्रामिंग एफर्ट है ना, या जो थर्ड पॉइंट यहाँ पे मेंशन था, ये प्रोग्रामिंग एफर्ट ही था, कि आप जब इस एल्गोरिदम को प्रोग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उस वक्त जो 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 से भी आप लॉजिक फंक्शंस या लॉजिक यूज करते हुए उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और ये जो है एक आपके पास कंप्यूटेशनल टाइम, या इसको आप सिंपल टाइम भी कह सकते हैं, कि आपका जो एल्गोरिदम है उसकी हर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम ले रही है, या उसका हर ऑपरेशन कंप्यूट होने में कितना टाइम लग रहा है, तो इसको हम कंप्यूटेशनल टाइम कहते हैं। इन सब के अंदर जो हमारा मेन कंसर्न है ना, वो टाइम के साथ है। यहाँ पे लिखा हुआ है, हाउएवर टाइम जनरली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट एन एल्गोरिदम इज द रिसोर्स ऑफ मोस्ट इंटरेस्ट। ठीक है, ज्यादातर इस कोर्स के अंदर अभी जो हम एनालिसिस आगे पढ़ेंगे भी, वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा। ठीक है, और इसके अंदर बेसिकली टाइम हम मेजर कैसे करते हैं, और इधर लिखा हुआ है कि जो भी नंबर ऑफ स्टेप्स हमें रिक्वायर है एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट करने के लिए, वो स्टेप्स कितना टाइम ले रहे हैं, या स्टेप्स अगर ज्यादा हैं तो ज्यादा टाइम लगेगा, स्टेप्स अगर कम हैं तो कम टाइम लगेगा। तो टाइम को बेसिकली हम नंबर ऑफ स्टेप्स या नंबर ऑफ ऑपरेशंस की बेस पे जज कर रहे होते हैं। बाय एनालाइजिंग सेवरल कैंडिडेट एल्गोरिदम्स, द मोस्ट एफिशिएंट वंस कैन बी आइडेंटिफाइड। कि अगर हमें मल्टीपल एल्गोरिदम्स गिवन है, उसमें से हमने एफिशिएंट वंस फाइंड आउट करने हैं, तो वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और एफिशिएंट वंस आपके कौन से होंगे जो कि लेस अमाउंट ऑफ टाइम ले रहे हैं एग्जीक्यूट होने में, या जल्दी हमें आउटपुट शो कर रहे हैं। नेक्स्ट इज एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी। वैसे तो अगर हम सोचें तो कॉम्प्लेक्सिटी का क्या मतलब बनता है, कि एक एल्गोरिदम कितना कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड किस चीज पे करती है, कि एल्गोरिदम के अंदर कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म होने हैं। अगर तो एल्गोरिदम के अंदर ज्यादा नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म होने हैं, या बहुत ज्यादा कंडीशंस लगी हुई हैं, इफ एल्स के, नेस्टेड इफ एल्स हैं, उसके अंदर लूप्स हैं, तो आपके पास उस एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगी, कि वो एग्जीक्यूट होने में ज्यादा टाइम लेगा। तो बेसिकली जो आपके पास एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी है, वो डिपेंड करती है कि आपके एल्गोरिदम के अंदर कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी की डेफिनेशन क्या बनती है, इज अ मेजर व्हिच एवेलुएट्स द ऑर्डर ऑफ द काउंट ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय अ गिवन एल्गोरिदम एज अ फंक्शन ऑफ द साइज ऑफ इनपुट डेटा। यानी आपके एल्गोरिदम के अंदर, किसी भी गिवन एल्गोरिदम के अंदर जितने भी नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, वो किस ऑर्डर में एक तो परफॉर्म हो रहे हैं, और उसको हम फिर रिप्रेजेंट करते हैं अपने इनपुट के किसी फंक्शन के लिहाज से। जैसे देखें, किसी भी एल्गोरिदम का एग्जैक्ट आप टाइम नहीं मेजर कर सकते, आप एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि ये 5 सेकेंड ले लेगा या ये 2 सेकेंड ले लेगा, क्योंकि ये तो रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, और रियल लाइफ में जो चीज़ें हैं उनको हम एक्यूरेटली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। हम एक एस्टिमेटेड अमाउंट बताते हैं, और एस्टिमेटेड अमाउंट जो है वो किसी फंक्शन की फॉर्म में होती है। फंक्शन ऑफ कौन सी है, जो आपके मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं ना, जैसे लीनियर फंक्शन हो गया, क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया, ये सारी चीजें। और वो फंक्शन हम किस फॉर्म में बता रहे होते हैं, इनपुट डेटा के थ्रू बता रहे होते हैं।
जैसे फर्ज करें कि मैथ के अंदर जो आपका लीनियर फंक्शन होता है वो क्या होता है, उसकी इक्वेशन तो सबसे पहले ये होती है वाई इक्वल टू एक्स, के जो आपका आउटपुट आ रहा है ना वाई, वो किसके इक्वल है, जो भी आपने उसको इनपुट दिया होगा एक्स के, और उसकी जो ग्राफ है वो इस तरह से बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है। इससे हमें ये पता चल जाता है कि जैसे जैसे आपका एक्स इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे आपका वाई इंक्रीज हो रहा है। सेम इज द केस विद एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। जब हम एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो हम उसका जो उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो एक फंक्शन के फॉर्म में डिफाइन करते हैं, क्योंकि हमें एग्जैक्टली वैल्यू नहीं पता, क्योंकि ये एक एल्गोरिदम है वो हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते, और ये डिपेंड भी इनपुट पे कर रहा है, तो इसलिए हम उसका फंक्शन बताते हैं कि ये एल्गोरिदम इस फंक्शन के लिहाज से वेरी करेगा, और वो फंक्शन जो है उस वो आपके इनपुट के साइज पे डिपेंडेंट होता है। जैसे यहाँ पे आपका वाई इक्वल टू एक्स का, तो फर्स्ट करें हम अपना इनपुट का साइज ले रहे हैं एन ले रहे हैं, उसको हम एन कह रहे हैं, तो हमारा ये जो इक्वेशन बनेगी ये बनेगी वाई इक्वल टू एन, या फिर हम कह सकते हैं कि ये जो एल्गोरिदम है ये लीनियर मैनर में ग्रो कर रहा है, और इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो एन टाइम्स है, कि ये एन टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है ये एल्गोरिदम, क्योंकि एग्जैक्ट, मैंने अगेन आपको बताया, हम एग्जैक्ट चीज नहीं बता सकते, एग्जैक्ट वैल्यू टाइम की। टू पुट दिस सिंपलर, कॉम्प्लेक्सिटी इज अ रफ अप्रोक्सीमेशन ऑफ द नंबर ऑफ स्टेप्स नेसेसरी टू एग्जीक्यूट एन एल्गोरिदम। तो बेसिकली जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो एक रफ अप्रोक्सीमेशन है, यानी अगेन यहाँ से आपको समझ आ रहा है कि ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है। कोई भी नंबर ऑफ स्टेप्स जो हमें रिक्वायर है एक एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो उसके अंदर अप्रोक्सीमेटेड क्या वैल्यू आ सकती है, कि वो लीनियर मैनर में ग्रो कर रहा है, कि अगर फर्ज करें कि आप स्केयर की फॉर्म में ग्रो कर रहा है, तो हम कह देते हैं कि ये जैसे जैसे इनपुट इनपुट के स्केयर के लिहाज से आपकी जो आउटपुट है वो इंक्रीज कर रही है। तो ये बेसिकली एक अप्रोक्सीमेशन है, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, और हम हमेशा एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी एक फंक्शन के फॉर्म में बताते हैं, और वो फंक्शन किस पे डिपेंडेंट होता है, आपके साइज ऑफ इनपुट डेटा पे। हाउ लॉन्ग द एल्गोरिदम टेक्स विल बी रिप्रेजेंटेड एज अ फंक्शन ऑफ द साइज ऑफ इनपुट डेटा। अगेन वही बता रहे हैं, यहाँ पे जो चीज हमने पीछे पढ़ी थी वो बता रहे हैं कि हम कितना एक एल्गोरिदम कितना टाइम लेता है ये हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ ऑफ एन के थ्रू। जैसे अगर हम लीनियर की मैं बात करूँ तो मैं लिखूंगी एफ ऑफ एन इक्वल टू एन, यानी ये लीनियर मैनर में इंक्रीज कर रहा है। ये सिंपल अगर मैं लिख दूँ एफ ऑफ एन या एफ ऑफ एन स्क्वायर, तो इसका मतलब है ये लीनियर मैनर में ग्रो नहीं कर रहा, ये स्क्वायर की फॉर्म में एल्गोरिदम ग्रो कर रहा है। तो ये जो हम फंक्शन की फॉर्म में हम बता रहे हैं कि एल्गोरिदम कितना टाइम ले रहा है, ये बेसिकली क्या बताता है कि हाउ लॉन्ग इट टेक्स इफ एन इज दी साइज ऑफ द इनपुट, कि अगर एन हमारे पास कोई भी गिवन है हमें साइज इनपुट का, तो ये कितना टाइम लेगा एग्जीक्यूट होने में। तो अगर तो लीनियर फंक्शन है तो हमें पता चल जाएगा कि जिस तरह एन की वैल्यू इंक्रीज होगी ये वैसे वैसे ही आपके पास उसी तरह आपकी टाइम भी इंक्रीज होगा। लेकिन एन स्क्वायर का क्या मतलब है कि स्क्वायर की फॉर्म में एन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो उसके लिहाज से फिर टाइम भी ज्यादा लगेगा। हाउ फास्ट द फंक्शन दैट कैरेक्टराइजेज द रनिंग टाइम ग्रोज विद द इनपुट साइज इज नोन एज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रनिंग टाइम। ये जो मैं बता रही हूँ ना कि आपके पास एल्गोरिदम किस फॉर्म में इंक्रीज कर रहा है, लीनियर फॉर्म में इंक्रीज कर रहा है या फिर स्क्वायर की फॉर्म में इंक्रीज कर रहा है, तो इस चीज को हम रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रनिंग टाइम बोलते हैं। इसका क्या मतलब है कि कोई भी जो एल्गोरिदम है उसका जो रनिंग टाइम है वो किस तरह से ग्रो कर रहा है। रनिंग टाइम क्या है कि उसका एग्जीक्यूशन टाइम, कि वो कितने टाइम में एग्जीक्यूट हो रहा है, तो आपका जो एल्गोरिदम है वो किस रेट से ग्रो कर रहा है, या आपका रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रनिंग टाइम कहलाता है। जैसे अगेन वही कि लीनियर आ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये लीनियर मैनर में ग्रो कर रहा है, अदरवाइज ये स्क्वायर की फॉर्म में या जो भी इक्वेशन आपके पास बनेगी उस फॉर्म में ये ग्रो कर रहा है। द एल्गोरिदम विद लेस रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रनिंग टाइम इज कंसिडर्ड बेटर। तो अगेन वही हमें पता है कि जैसे टाइम जो एल्गोरिदम कम लेता है वो हम कहते हैं ज्यादा एफिशिएंट है, इसी तरह जिस एल्गोरिदम का रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो लेस होगा वो आपके पास बेटर कंसीडर होगा। रेट बेसिकली रिलेटेड टू टाइम होता है, कि टाइम कितना यूटिलाइज हो रहा है इस एल्गोरिदम को आगे, इसके नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ाने के लिए या इसको ग्रो होने के लिए कितने स्टेप्स रिक्वायर है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एसिम्प्टोटिक एनालिसिस। एसिम्प्टोटिक एनालिसिस मैंने आपको अभी बताई कि ये हम विद रिस्पेक्ट टू इनपुट साइज करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एसिम्प्टोटिक एनालिसिस रेफर्स टू कंप्यूटिंग द
रनिंग टाइम ऑफ एनी ऑपरेशन इन मैथमेटिकल यूनिट्स ऑफ कंप्यूटेशन विद रिस्पेक्ट टू इनपुट साइज, यानी इसके अंदर अगेन जो हम रनिंग टाइम बता रहे हैं ना किसी भी ऑपरेशन का, के एल्गोरिदम के अंदर जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं उसमें से किसी भी ऑपरेशन का अगर हम रनिंग टाइम बता रहे हैं, तो वो मैथमेटिकल यूनिट्स या यू कैन से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज करते हुए हम बता रहे हैं, जो कि डिपेंडेंट है किस पे, इनपुट साइज पे. फॉर एग्जाम्पल द रनिंग टाइम ऑफ वन ऑपरेशन इज कम्प्यूटेड एज एफ ऑफ एन एंड मे बी अनदर ऑपरेशन इट इज जी एन स्क्वेयर. तो फर्ज करें एक का हमें बताया जाता है कि दो एल्गोरिदम्स हैं, उसके अंदर दो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, एक का जो रनिंग टाइम है वो एफ ऑफ एन है, दूसरे का जो रनिंग टाइम है जी एन स्क्वायर है. तो यहाँ से आपको समझ आ जाती है कि ये लीनियर मैनर में ग्रो कर रहा है और ये जो है ये स्क्वायर की फॉर्म में ग्रो कर रहा है. तो जो चीज स्क्वायर की फॉर्म में ग्रो कर रही है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, तो ये ज्यादा टाइम लेगा एग्जीक्यूट होने में. दिस मीन्स द फर्स्ट ऑपरेशन रनिंग टाइम विल इंक्रीज लीनियरली विद इंक्रीज इन एन, एंड द रनिंग टाइम ऑफ द सेकेंड ऑपरेशन विल इंक्रीज एक्सपोनेंशियली व्हेन एन इंक्रीजेस. Similarly, the running time of both operations will be nearly the same if n is significantly small. वैसे तो वो कह रही है कि आपके पास n जो है वो linear time लेगा या कम time लेगा execute होने में, जबकि n square जो है वो exponential time लेगा या ज़्यादा time लेगा execute होने में. लेकिन last में उन्होंने क्या कहा है कि अगर n की value जो है ना वो बहुत ज़्यादा small होगी, n is significantly small, तो फिर n और n square तकरीबन हमें same ही values देंगी. जैसे फर्स्ट करें अगर तो हमारे पास n की वैल्यू होती है ना 2, तो लीनियर में आपके पास क्योंकि लीनियर फंक्शन f ऑफ n ही है तो इसकी वैल्यू 2 ही आएगी, और जी एन स्क्वायर का मतलब है इसकी वैल्यू आएगी 4. लेकिन अगर n की वैल्यू बहुत कोई स्मॉल नंबर है, जैसे फर्स्ट करें मैं कह देती हूँ कि n की वैल्यू है 0.2, तो लीनियर के केस में इसमें 0.2 ही आना है, और एक्सपोनेंशियल के केस में इसमें क्या आना है, 0.2 का स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर होता है 0.04. तो ये आप देख सकते हैं कि ये 0.04 इस 0.2 से भी स्मॉलर हो गया है. तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही कि आपका अगर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है एक्सपोनेंशियली तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा. तो वो कह रहे हैं कि अगर आपकी एन की वैल्यू या इनपुट बहुत कोई स्मॉल वैल्यू है तो ये चीज़ पे डिसऑबे होगी, उस वक्त हम ये नहीं कह सकते कि लीनियर ही कम टाइम लेगा और एक्सपोनेंशियल ही ज़्यादा टाइम लेगा. तो ये कुछ इनपुट वैल्यूज पे हमारे पास एक्सेप्शंस भी आ जाती हैं, या आप जिस तरह से समझ रहे होते हैं चीज़ को वो उस तरह से एग्जीक्यूट उतने टाइम में एग्जीक्यूट नहीं होता. अब अभी जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बेस्ट एवरेज और वर्स्ट केस पढ़ा था, तो सेम इसी तरह एसिम्प्टोटिक एनालिसिस के अंदर भी हम परफॉर्मेंस को वैसे तो इनपुट के लिहाज से हम फाइंड आउट कर रहे हैं, लेकिन उसको भी हमने ये इन्हीं तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, बेस्ट केस में, एवरेज केस में और वर्स्ट केस में. तो बेस्ट केस एनालिसिस जो है वो अगेन वही मतलब है कि मिनिमम टाइम जो रिक्वायर है कि एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट होने के लिए. एवरेज केस क्या है कि एवरेज टाइम जो रिक्वायर है कि एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट होने के लिए. और वर्स्ट केस क्या है कि मैक्सिमम टाइम जो रिक्वायर है कि एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट होने के लिए. अब जब हम एसिम्प्टोटिक एनालिसिस की बात करते हैं तो हमने इन तीनों के लिए कुछ नोटेशंस यूज बनाई हुई हैं, जिनको हम एसिम्प्टोटिक नोटेशंस बोलते हैं. इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे सिंपल मैथमेटिकल होता है ना, आपके पास एडिशन की नोटेशन है, प्लस मल्टीप्लिकेशन की नोटेशन है, वो मल्टीप्लाई का साइन जो भी होता है, क्रॉस, ठीक है. तो सेम इसी तरह ये बेस्ट एवरेज और वर्स्ट केस के लिए भी कुछ नोटेशंस है. वर्स्ट केस को हम ओ नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर बेस्ट केस को हम ओमेगा नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, और एवरेज केस को हम थीटा नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ पे एसिम्प्टोटिक नोटेशन की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है कि बेसिकली ये क्या है, लैंग्वेजेस हैं दैट अलाउ अस टू एनालाइज एन एल्गोरिदम्स रनिंग टाइम बाय आइडेंटिफाइंग इट्स बिहेवियर एज द इनपुट साइज फॉर द एल्गोरिदम इंक्रीजेस. दिस इज ऑल्सो नोन एज ग्रोथ रेट. यानी वही बात होगी कि एसिम्प्टोटिक नोटेशन बेसिकली ऐसी लैंग्वेजेस हैं या कुछ ऐसी नोटेशंस हैं जो कि किसी भी एल्गोरिदम के रनिंग टाइम को एनालाइज कर रही हैं, किस बेस पे एनालाइज कर रही हैं, विद रिस्पेक्ट टू इट्स बिहेवियर ऑफ इनपुट साइज. कि वही इनपुट साइज अगर लीनियर मैनर में इंक्रीज हो रहा है तो हम एन कहेंगे, क्वाड्रेटिक इंक्रीज हो रहा है तो एन स्क्वायर कहेंगे, ठीक है. ये वाली चीज हो गई. जैसे जैसे वो कह रहे हैं कि एल्गोरिदम का साइज इंक्रीज हो रहा है, उसके इनपुट का साइज इंक्रीज हो रहा है, तो आपके पास एल्गोरिदम का रनिंग टाइम किस तरह इंक्रीज होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम
एसिम्प्टोटिक म्यूटेशंस यूज करते हैं, और इसको हम ग्रोथ रेट भी बोलते हैं कि एल्गोरिदम का। ग्रोथ रेट का ये मतलब है कि किस रेट से आपका एल्गोरिदम ग्रो कर रहा है या किस रेट से एल्गोरिदम आपका फर्दर एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, ये तीन नोटेशंस हो गए। यहाँ पे आके अगर हम देखें तो हमारे पास जो बिग ओ नोटेशन है ना, अब ये जो है ना आपके पास ओ नोटेशन और ओमेगा नोटेशन, ये क्योंकि वर्स्ट केस है ये आगे दो में डिवाइड हुई है, एक आपके पास बिग ओ होती है ये आगे डिफाइन भी होगी और एक लिटल ओ होती है। सेम इसी तरह ओमेगा भी दो में डिवाइड हुई है, जबकि थीटा नोटेशन का कोई वो एक ही है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इन्होंने लिखी हुई है ना बिग ओ नोटेशन, उसका हमारे पास क्या डेफिनेशन क्या बनती है? सबसे पहले रिप्रेजेंट, तो उसको हम कैपिटल मैम जी। मैम मैम अगर ये वाला हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लें। यस मैम, यहाँ आज तक बहुत है क्योंकि मैम फिर वो सारी की सारी नोटेशन जो है ना वो मैम फिर समझ नहीं आएंगी, क्योंकि अभी तो सिर्फ हम लोग बिग ओ ही कर सकेंगे, वैसे भी टाइम हो गया। हाँ ये भी ठीक है, चले ठीक है, बस आपने ये वाला कॉन्सेप्ट मतलब माइंड में रख के आना है कि एसिम्प्टोटिक नोटेशंस क्या हैं, कि जो हम एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस बता रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इनपुट साइज वो हमारी एसिम्प्टोटिक नोटेशंस हैं, और ये इसकी तीन टाइप्स हैं वो। ठीक है, हाँ फिर आपको मिक्स हो जाएगा ये, फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, लेक्चर में अपलोड कर दूंगी आपका, और इस वीकेंड शायद मैं एक असाइनमेंट भी अपलोड करूँ, तो वो आपने फिर मुझे ना नेक्स्ट वीकेंड तक सबमिट करानी होगी, वो मंडे को डिस्कस कर लेंगे अगर कुछ उसमें मसला हुआ। ओके मैम, चलें ठीक है, फिर आप लोग लीव कर सकते हैं। ओके मैम, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।